जहां वो बिल्कुल अकेले वो ग्रेनेड जाएगा जोकर की साइड से, हेक्टर इज डाउन को मिलने वाले। पर मैं ये देख रहा हूँ कि यूपी 50 के जो प्लेयर्स हैं वो सिखाई देंगे, ओमेगा वहां पे मौजूद है, वो सॉलिड स्पॉट के गए, जी हां स्पॉट के गए, कपला बने हुए थे, बट साथ दे सकते हैं। बट इतनी सारी टीम बची हुई, आप देखे 20 मिनट का गेम हो चुका है और अभी भी यहाँ पे प्लेयर सर्वाइव करेंगे। और मांडे को आप देखे पक्के लेके आए, सीट उन्होंने स्विच करा, कैरी वहां पे जोकर को डाउन करते हुए, ज्यादा देर तक नहीं डाउन किए गए, कैरी एलिमिनेशन। पर एक प्लेयर ऑलरेडी उनका डाउन है, दो प्लेयर यहाँ पर बचेंगे, रेक्स आएंगे, नॉक एंड फिनिश, इन बड़े ग्रेनेड के 47 खत्म हो गए, गॉब्लिन की बात के डाउन किए गए, जादू सामने मौजूद है, सारा अपने आप को हील कर चुके हैं, लेकिन जोन के वो बाहर है, 7C काफी करीब, ऑटो वॉच के ऊपर वो जो पोश है वो आ चुका है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एक और स्लैम इन करेंगे, एक और टीम को वो वाइप आउट करने के काफी ज्यादा करीब, ऑलरेडी 7 फिनिश निकाल चुके हैं, एक और प्लेयर को स्पॉट करा, डाउन करा, काइनेटिक के ऊपर अभी के लिए जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ओपन में स्पॉट करा, एक और प्लेयर को एक्शन वहां पर आएंगे, कवर फायर देंगे, नहीं ग्रेनेड गया जरूर बट डैमेज नहीं, बट जोकर उन्होंने स्पॉट किया गॉब्लिन को, मुश्किलें भी बढ़ाई जाएंगी, जोकर यहाँ पर मौजूद सर्कल के अंदर वो मौजूद, स्पॉट किया गया नकुल के साथ, डाउन किया गया निग्मा, दो खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे सर्वाइव करते हुए देखना पड़ेगा कि जोन के बाहर लिमिट हो गया फिर अंदर आने की कोशिश करेंगे, अभी वहाँ पे मौजूद है वो एक और खिलाड़ी, वहाँ पे शायद जो रॉक्सना मौजूद है वो कुछ खास कर सकते हैं, बट नकुल ने वहाँ पे वही कल्पनाश करी, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिलता हूँ, बट अभी प्लेयर के बाहर खत्म हो गए, बट वहाँ पे रॉक्सना अकेले बचे थे। 4v4 की प्रॉपर फाइट, बिल्कुल 4v4 जो पोजीशन उनकी वो पूरी तरीके से रिवील्ड है, और वहां पर सामने की तरफ भी एक जोकर है, वो ग्रेनेड आप देखिए क्या ऑन पॉइंट दिया, हालांकि बाउंस करके वो बर्स्ट होता हुआ नजर आया एजे, यहाँ पर शायद ग्रेनेड के रास्ते ही पूरी तरीके से जो आईएनएस की स्क्वाड है उसको धराशायी करते हुए नजर आएंगे। 16 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, और शायद अब वो जो 20 फिनिशेस की राह पर चल चुकी है, एक बेहतरीन ग्रेनेड आएगा, बिलियन इज डाउन, क्रेजी सोल यहाँ पर नॉकआउट होते हुए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, वो अब यहाँ पर पुश करेंगे, लेकिन नकुल उनको डाउन किया जाएगा, जोकर और शेन ये दो प्लेयर्स बचते हैं, वो जो स्लेट रहता है वहां से स्पॉट करे जाएंगे, डैमेज दिया बट ओपन में एजे वहां पर ग्रेनेड को करे स्पॉट करेंगे, एक और प्लेयर डाउन, इट्स अ 1v3 नाउ, जोकर इज डाउन, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 20 फिनिशेस के साथ ये जो विनर चिकन डिनर है वो लेके जाएंगे। हैट्स ऑफ, द परफॉर्मेंस इज जस्ट ब्रिलियंट। बड़ा